सब सिद्धार्थ आनंद दोबारा से चमकते नजर आए, दोबारा से मीन से कि 2023 में पठान से जो कमाई, जो बॉक्स ऑफिस से फाड़ के गए थे, वही चीज वही सिनेरियो भाई इस साल भी देखने को मिलने लगा है। क्योंकि स्टार्टिंग में फाइटर जब आई थी, लेकिन ट्रेलर के बाद भाई थोड़ा सा हाइप मैच नहीं हो रही थी, थोड़ा हाइप नहीं बढ़ रही थी, लेकिन भाई अभी जो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी जो बुकिंग इसके खाते में आ चुकी है, मूवी को अभी रिलीज होने के लिए पूरे 4 दिन हैं आज को मिला के, देन 25 तारीख को ये मूवी फट जाएगी, और 4 दिन पहले ही इन्होंने भाई लगभग में लगभग 2 करोड़ के आसपास बुकिंग ले ली है सिर्फ इंडिया से। तो अभी सारी चीज़ों पर बात करेंगे, भाई साहब कितना क्या कलेक्शन एडवांस से ही इसने कर लिया है, और नेशनल चेन्स में क्या हाल है, उसके बाद बुक माई शो में क्या हाल चल रहे हैं, सभी चीज़ों पर क्लिक करके बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब जब एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, एडवांस बुकिंग में तबाही चल रही है। जो स्टार्टिंग में कल तक अगर मैं बताऊँ तो कोई ज़्यादा नहीं थी, 26 या 27 लाख के आसपास थी, लेकिन एक ही दिन में भाई 1.5 करोड़ से ऊपर की बुकिंग हुई है। इट मीन्स ये कि भाई अब जो है जनता फुल एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि वो इसके कंटेंट को, इसके पीछे की कहानी को वैल्यूएबल समझ रही है। यस, समझना भी चाहिए, क्योंकि पुलवामा में जो दरिद्रता हुई थी, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई थी, भाई पता होना चाहिए कि हमने कैसे दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, और यस यहाँ से हमें देखने को मिलने वाला है। तो हिंदी 2D की अगर मैं बताऊं तो भाई 62,87,131 रुपए का कलेक्शन इन्होंने एडवांस से ले लिया है, 23,815 टिकट सोल्ड आउट कर दी, 241 रुपए एवरेज टिकट प्राइस है, 2,399 सो जा चुके हैं। हिंदी 3D की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स यही देखने को मिला, मतलब हाई क्वालिटी में इस मूवी का मजा लेना चाहते हैं, 1,04,51,319 रुपए का एडवांस बुकिंग यहां से लिया है 3D से, 30,524 टिकट सोल्ड आउट और 298 रुपए का टिकट एवरेज प्राइस है, 3,743 सोच। हिंदी IMAX 3D की बात करें तो भाई साहब 19,29,730 ये बुकिंग यहाँ से ले चुके हैं, 3,309 टिकट बेच चुके हैं, 541 का एवरेज टिकट प्राइस, 117 सोच हैं। हिंदी 4DX 3D की बात करें तो भाई 4,93,740 रुपए का एडवांस बुकिंग यहाँ से है, 802 टिकट बेच चुके हैं और 104 सोच है। ऑल इंडिया मतलब इन सारे वर्जन्स को मिला के कितनी बुकिंग हो चुकी है, 1,92,93,00,000 के आसपास इन्होंने बुकिंग ले ली है भाई। तो अभी पूरे 4 दिन बाकी हैं, तो ये बुकिंग कितनी जाने वाली है भाई, लग रहा है बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। एक बार के लिए पठान क्या जो 30 करोड़ 32 करोड़ के आसपास बैठी, क्या वो टच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि लास्ट में भाई 5-5 करोड़ 8-8 करोड़ की बुकिंग हमें देखने को मिलती है। और अभी तक मतलब इन्होंने कितने टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, 58,450 एंड 6,363 सो जिनके खाते में आ चुके हैं। तो बात अगर नेशनल चेन्स की करें तो भाई PVR INX को मिलाकर 16,500 टिकट उन्होंने वहां सोल्ड आउट कर दी, सिनेपोलिस में 3,200 और टोटल टिकट सोल्ड आउट कर चुके हैं ये PVR INX से। ये कल रात 12 बजे तक की रिपोर्ट है, 19,700 टिकट सिर्फ नेशनल चेन्स में भाई, ये भी धमाका है। बजट है इस मूवी का 250 करोड़ के आसपास, और बुक माई शो इंटरेस्ट रेट की बात करें आज सुबह तक की, 1,57,000 का बुक माई शो इंटरेस्ट रेट इनके साथ चल रहा है, और पिछले 24 घंटे में बुक माई शो पर टिकट बेचे हैं 33,500 जो भाई एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल रिकॉर्ड है। तो यार ये मूवी डे वन पर कितनी कमाई कर सकती है, यानी डे वन पर एडवांस बुकिंग हो सकती है 20 करोड़ से तो ऊपर जाएगी, और डे वन पर कितना फाड़ सकती है भाई, जिस हिसाब से अभी रेस्पॉन्स देखने को मिला है, मिनिमम 50 करोड़ डे वन पर आने वाला है सिर्फ इंडिया से, और ओवरसीज से कितना आएगा भाई, ओवरसीज से भी तबाही देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरसीज का इतना कलेक्शन अभी नहीं देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई कि डे वन की ओपनिंग मान के चलते हैं भाई 50 करोड़, आप लोगों का क्या कहना है कि ये 50 करोड़ करेगी, लाइफ टाइम कलेक्शन क्या 1,000 करोड़ टच करेगी नहीं करेगी, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।